नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि आप देख रहे हो अचानक से मौसम में बदलाव आ गया है, यानी ठंड जो है एकदम से ख़त्म हो चुकी है और एकदम से वातावरण के टेम्परेचर में अचानक से उछाल होना शुरू हुआ है। तो आप इस परिस्थिति में कैसे देखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जब ठंड के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सेस में था तो आपके कछुओं ने पूरी सर्दी कुछ भी नहीं खाया था, या आप ये कह सकते हो कि वो एक ही पोजीशन में लगातार बैठे हुए थे, या बहुत से लोग कहते हैं कि वो पिछले 2-3 महीने से उसने कुछ नहीं खाया, एक ही जगह बैठा हुआ है, या हम उसको ये कह सकते हैं कि वो हाइबरनेशन में था या वो एक गहरी नींद में था। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि उसकी आंखें खुली रहती है, रेस्पिरेशन होता रहता है, हल्का फुल्का हाथ पैर हिलाता रहता है, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं करता, बस केवल अपनी बॉडी को एक जगह स्टेबल रखता है। अब हमें करना क्या है, जैसे ये मौसम में बदलाव हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस 2-3 महीने के दौरान उसमें काफ़ी वीकनेस आ जाती है। और उसकी इस वीकनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से कोई ऐसा जादू तो नहीं है कि हम कोई इंजेक्शन लगा दें और एकदम से उसकी वीकनेस ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप ही मान के चलिए, उसने 2-3 महीने यदि कुछ नहीं खाया है, इस 3 महीने के दौरान उसकी बॉडी में जितना भी फैट था, डिपॉजिट था, उसने उस फैट को डिजोल्व किया है और वहाँ से वो एनर्जी गेन करता रहा है और उसने अपने आप को सर्वाइव किया है। उसका पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन काफ़ी स्लो रहा है, लेकिन अब जैसे ही टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसकी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। अब हमें कैसे करना है, यानी एकदम से जो चेंजेस हुआ है तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हमें सबसे पहले उसकी वीकनेस को कैसे दूर करना है, क्योंकि इस 3-4 महीने में एक तो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन काफ़ी एक्सेस में हो चुका है। हम उसका वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए हम उसको पानी में तो पहले ही डिप करते रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही मौसम में चेंज हो तो आप उसको कोशिश कीजिए, आधा कप गाजर का जूस लेकर के उसमें आधा कप वार्म वाटर ऐड कीजिए, उसको 15 मिनट डिप कर दीजिए और उसको बाहर निकाल लीजिए। उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर विटामिन्स जाने शुरू हो जाएंगे, और जब विटामिन्स जाने शुरू हो जाएंगे तो जो उसकी जो धीरे धीरे वीकनेस है या उसकी जो मसल्स की जो इलास्टिसिटी जो एकदम से डाउन हो गई थी, एकदम ढीली हो गई थी, वो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे रिकवर करने शुरू हो गई, यानी उसमें ताजगी आनी शुरू हो जाएगी, वो थोड़ा सा पहले पहले एक्टिव हो जाएगा। और इस प्रोसेस को करने में आपको 8 से 10 दिन लगेंगे, उसके बाद ही वो धीरे धीरे खाना लेना शुरू करेगा। इस दौरान आप चाहते हो कि वो थोड़ा हेल्दी रहे तो आप उसको विटामिन्स के एक एक दो दो ड्रॉप, जो टर्टल मल्टीपल विटामिन सीरप आता है, वो भी ओरली आप देना शुरू कर सकते हो, डायरेक्ट मुंह के अंदर पिला सकते हो। क्योंकि इस दौरान कई बार क्या होता है, उसकी बॉडी में कैल्शियम भी नहीं गया होता 2-3 महीने से, तो उसका जो शेल होता है ऊपर का, वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होता है, तो ऐसे में एक एक ड्रॉप हमें जो है उसका कैल्शियम का भी देना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हमें उसका इम्यूनिटी लेवल बूस्टअप करना है, तो हमें उसका ये इम्यूनिटी लेवल है एकदम से ना बूस्ट करके धीरे धीरे बूस्टअप करना है, ताकि जब वो धीरे धीरे बूस्टअप करेगा तो ऑटोमेटिक वो पहले की तरह एनर्जी गेन कर पाएगा। क्योंकि हम यदि इस अवस्था में कोई भी हम इंजेक्शन देते हैं कि एकदम से उसकी एनर्जी बूस्टअप हो जाए, तो कई बार क्या होता है उस कंडीशन में वो इंजेक्शन झेल नहीं पाता है। और ये जो हमारी नेचुरल होम रेमेडीज़ का जो तरीका है, कैरेट का जूस का जो प्रोसेस है, ये एक ऐसा नेचुरल तरीका है कि वो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है बूस्टअप करती है और वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करता है, उसकी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी स्किन में देखते हो जितने दिन से पीलापन आना शुरू होता है, वो ऑटोमेटिक उसकी स्किन का कलर चेंजेस होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसने अब 2-3 महीने से कुछ नहीं खाया होता। अब आप उसमें क्या कर सकते हो, गाजर के जूस के अंदर आप 1-2 पैलेट्स पर डे आप उसको देना शुरू कर दीजिए। हो सकता है फर्स्ट डे वो एकदम से खाना खाना शुरू ना करे, लेकिन 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि 4-5 पैलेट्स में से जब थोड़ा सा उसका बॉडी का टेम्परेचर अप होगा, 1-2 पैलेट्स वो खाना शुरू कर देगा, और पैलेट्स को जब वो खाएगा तो ऑटोमेटिक वो जब उसके डाइजेशन सिस्टम का एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो उसके स्टमक से लेकर उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसका इंटेस्टाइनल पैसेज क्लियर होगा। स्टार्टिंग के अंदर कई बार क्या होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, यानी उसको फीसिस करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि कई महीनों से उसने कुछ खाया नहीं होता है और एकदम से खाना दिया है, तो उसका क्योंकि वो पैसेज जो काफ़ी दिनों से उसका बंद था तो धीरे धीरे ओपन होता है, तो एक बार जब वो खाना खाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे
यदि आप देख रहे हो कि 3-4 दिन से उसने खाना खाना शुरू कर दिया है, अपनी नॉर्मल डाइट पे आ गया है और फिर भी वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो उसको रोज़ शाम को 5 से 10 मिनट सिर्फ गुनगुने पानी में रखिए ताकि वो फ्रेश हो जाए। और जब एक बार फ्रेश हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका जब पैसेज क्लियर हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए उसका अंदर से पैसेज पूरा क्लियर हो गया, अंदर हल्का फुल्का जो भी कोई इन्फेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। इस तरीके के द्वारा आप अपने कछुए को जो इतने 3 महीने से लगातार गहरी नींद के अंदर जो सोया हुआ था उसको आप जगा सकते हो। और आप ये मान के चलिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब उसको स्लो होम रेमिडीज के द्वारा आप उसको पहले की तरह आप उसको नॉर्मल प्रोसेस पे ला सकते हो और उसको हेल्दी ला सकते हो। क्योंकि अब जब होली के बाद में एकदम से टेम्परेचर अपना नॉर्मल 28-30-32 के करीब आ जाएगा, तो पहले की तरह टर्टल्स है वो पानी में जाना पसंद करेंगे, स्विम करेंगे और पानी को भी एंजॉय करेंगे। जब जैसे जैसे गर्मी आती है तो ऑटोमेटिक आप ही मान के चलिए इनको थोड़ा यूवी लाइट या सनलाइट भी थोड़ा कम पसंद होती है। तो एक बहुत से लोगों ने भी क्वेश्चन किया है, क्या यूवी लाइट जो है हमें जितनी हम सर्दियों में दे रहे थे क्या हमें उतनी गर्मियों में देनी जरूरी होती है? देखिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमें उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसलिए यूवी लाइट का एक्सपोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन से काम करते रहे। अब क्योंकि मौसम में पहले ही बदलाव हो चुका है, टेम्परेचर पहले ही फ्लक्चुएट हो चुका है, तो यूवी लाइट का एक्सपोजर 5 से 10 मिनट तक आपने रखना है, लेकिन रखना जरूर है, एकदम से बिल्कुल बंद आपने नहीं करना है। क्योंकि यूवी लाइट की प्रेजेंस में उसकी डाइट में जो भी कैल्शियम फास्फोरस जाता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके एब्जॉर्प्शन से उसका जो ऊपर वाला जो शेल होता है वो हार्ड होता है। यदि आप यूवी लाइट ने का उसकी रेज नहीं दोगे तो वो जो भी डाइट में दोगे तो उसका कैल्शियम और फास्फोरस की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसका सेल सॉफ्ट होना शुरू हो गया। यूवी लाइट देना जरूरी है, उसका ड्यूरेशन आप घटा दीजिए, इतना आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको टर्टल या टॉर्टॉइस से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9811061861, इस पर आप उसका फोटो या वीडियो शेयर करके आप मुझसे पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप में से कोई हमारे हमारा मेंबर बनना चाहता है तो यूट्यूब ने हमारे चैनल के ऊपर एक ज्वाइनिंग का मेंबरशिप आपको ऑफर की है, आप उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट हमसे आप जुड़े रहेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।